हेलो सर, वेलकम टू प्रोजेक्ट उत्कर्ष सर। मेरा नाम सहज कपूर है, मैं एक्टर्स आर्यभट्ट का प्रेजेंट हूँ और ये हमारी टीम है। ये खुशी जोशी है, शी इज वाइस प्रेजिडेंट, मोहित ही इज द प्रोजेक्ट हेड, तनुश्री इज द एचआर हेड, अभिषेक ही इज वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स, विशाखा शी इज अ जूनियर मेंबर, देन देयर इज पार्थ ही इज ऑल्सो जूनियर मेंबर एंड भानु ही इज ऑल्सो जूनियर मेंबर, एंड ये हमारी लेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे लिए काम करती हैं। नमस्ते। चलिए आप लोगों से बातचीत करेंगे और जो प्रोजेक्ट उत्कर्ष है उसके बारे में भी जानेंगे और जो आपके वेजिटोज हैं बनता कैसे है वो भी जानेंगे और टेस्ट भी करेंगे। अच्छा चंदा जी, अंगूरी जी और अनार जी क्या बना रहे हैं? ये पालक के चिप्स बना रहे हैं। चिप्स, पालक के चिप्स जी। जिसको आप लोग वेजिटोज बोलते हैं? यस सर, वेजिटोज कहते हैं इनको। अच्छा, तो बेसिकली अब कुछ नहीं होगा, इस पालक को हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे एंड इसमें तीन तरीके का आटा डलता है, एक तो गेहूं का आटा वीट फ्लर, वन इज राइस फ्लर चावल का आटा, और मक्के का आटा मेज फ्लर। तो उसको हम एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में डालते हैं, विच इज 5:3:2। 5 कप हम डालते हैं गेहूं के आटे के, 3 कप मक्के के आटे के और 2 कप चावल के आटे के। और उसके बाद हम उसका बेस डो बनाते हैं, उसमें थोड़े मसाले डालते हैं जैसे अनियन पाउडर हो गया, गार्लिक पाउडर हो गया, और फिर उसके बाद इस पालक को उस डो में मिक्स करके, मतलब उसमें अच्छे से गूंथते हैं उसको, फिर उसको फ्लैटन करके जैसे रोटी की तरह और फ्लैट करके एक पर्टिकुलर शेप में काट के फिर उसको बेक करते हैं अवन में फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स। प्री हीट अवन में 15-20 मिनट्स के लिए बेक करते हैं। उसके बाद हम मसाला अपना खुद का लाते हैं, वो इसके ऊपर से डालते हैं फॉर फ्लेवर, थोड़ा स्पाइसी भी होता है, तो इसको वेजिटोस कहते हैं। बेसिकली पालक के फ्लेवर के लिए हम बनाते हैं। और ऐसे दो और फ्लेवर हैं, एक गाजर का होता है और एक होता है चुकंदर का, विच इज बीटू। तो ये रेसिपी एक्चुअली हम बहुत साल से इसको ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें जितना हेल्दी हो सकता है वो बनाएं, बिकॉज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसको फ्राई नहीं करते और हम इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। पहले हम सोच रहे थे हम कोई और तेल यूज़ करें जो आप घर पे यूज़ करते हो, बट वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ऑलिव ऑयल अच्छा होता है क्योंकि इसमें गुड फैट्स होते हैं, तो हम ऑलिव ऑयल इसमें यूज़ करते हैं, वो भी बहुत थोड़ा सा, उसको बस ब्रश करते हैं चिप्स को ताकि वो थोड़े क्रिस्पी हो जाए। तो इससे पहले आपको पता था ऐसे बनाया जाता है चिप्स की? इन्होंने आके बताया? नहीं, इन्होंने बताया, मैं नहीं पता था। अच्छा, हम कभी देखे नहीं थे कैसे ये बनते हैं, हमें मालूम नहीं। ये लोग आए थे, उन्होंने हमें पहले बताया आप लोग चिप्स बनाना के लिए हम जैसे आपको करें तो आप लोग करोगे? हम कहा हाँ हम लोग करेंगे, तो फिर करें। हम कहा हमें आता तो है नहीं, करें हम सिखाएंगे। फिर ये लोग आए तो अब देखा तो पहले सिखाए हम लोगों को, अवन वगैरह भी चलाना नहीं आता हमें तो, क्योंकि हम लोग भैया हमारे घर में तो अवन है नहीं, हम लोग की कितना अवन चला सकते थे। ये अवन वगैरह भी चलाना सिखाए, करना सिखाए। अब तो खाली बता देते कि हमें इतना चाहिए, अब हम सारा बना लेते हैं, खाली सामान ला के दे जाते हैं, ऑर्डर दे देंगे इतना इतने दिन हमें चाहिए। वहाँ पे रविदास कैंप में हमारा एक सेंटर है, एक हमारा सेंटर मुहिका में भी है, तो काफ़ी सारी एंटरप्रेन्योर्स है, अप्रॉक्सीमेटली 50 एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ काम करते हैं। हमारा चंडीगढ़ में भी था, तो ऐसे काफ़ी फैमिलीज हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 40-50 फैमिलीज से इनकम सपोर्ट करते हैं। हमारा ऐसे मीडियम ही है कि हम जितने भी दिल्ली में या ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, जितने भी अंडर प्रिविलेज ऐसे फैमिलीज हैं, जो वुमेन हैं जो काम नहीं कर पाती हैं, बट दे हैव दे पोजेस अ स्किल दैट इज़ अ स्किल दैट एवरी इंडियन हाउस होल्ड पोजेसेस, विच इज़ कुकिंग। तो उसको यूज़ करके हम एक बिजनेस डेवलप कर सकते हैं कि मतलब यू नो वाई नॉट सेल दिस एंड वाई नॉट क्रिएट योर ओन USP विच इज़ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड सेल दोस चिप्स। क्योंकि जो भी आप चिप्स देखते हो मार्केट में, दो आर ट्रांसफैट फिल्ड चिप्स, उसमें जो ऑयल यूज होता है, लॉट ऑफ पोटेटो, दैट काइंड ऑफ मसाला दैट इज यूज, इवन प्लास्टिक जो उनके पैकेजिंग में होता है। हमारे जो पैकेजिंग में होती है, वी एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक, आप इसको यूज कर सकते हो पैकेजिंग को, वी यूज पेपर पैकेजिंग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग। तो ये हमारा मोटिव है बेसिकली, टैकलिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू जस्ट वन प्रोजेक्ट। वैसे कितने कितने दिन में ऑर्डर्स आते हैं? ये अभी 10 दिन में भी आ जाता है। अभी तो मतलब थोड़ा इस कोरोना को जैसे 5-6 महीने तक का नहीं हुआ था, और सुने तो उसके बाद कभी हफ्ता का दिन 15 दिन जैसे ही हुए। बाकी कोविड के टाइम पे कैसा, जब सब लॉकडाउन था पूरे देश में, उस समय कैसे चला काम काज? एक महीने 2 महीने तक तो कुछ सब कुछ बंद ही था, कुछ भी नहीं चलता था, घर ही बैठे थे। 2 महीने के बाद से थोड़ा बहुत से जैसे स्कूल गया तो उसमें हस्बैंड वगैरह जाने लगे, ड्यूटी वगैरह, और इनके तो इनके ऑटो चलाते तो ऑटो को तो बंद हो गया था, वो भी घर बंद बैठ गए थे 1 महीने तक का। काफी मुश्किल समय था। फल की दुकान थी तो वो भी बंद हो गई थी। चलिए अब दोबारा से काम शुरू हो गया। समय लगेगा, वो समय लगेगा पहले जैसा होने में। तो आएगा नहीं,
फिलहाल मेरे को दो चार दो दो साल भी कम पड़ जाएगा उसमें। तो सहज और आपकी पूरी टीम से मैं पूछना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने शुरुआत की कितना समय हो गया ये? सर 2017 में स्टार्ट, मतलब 3 साल लगभग हो चुके हैं। और कैसा रिस्पांस है, मतलब आप जब ये चिप्स लेके जाते हैं, जब लोगों को बताते होंगे कि ये रविदास कैंप से बन के आए, तो लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है? सर उनका रिएक्शन उस लेकर बहुत पॉजिटिव रहता है। जैसे हम अगर सिर्फ बोलेंगे कि चिप्स हैं तो लोग नहीं खरीदेंगे इसको, बट अगर हम बोलते हैं कि यू नो दिस कैरीज अ स्टोरी, तो हमारा मोटिव ही यही है, वेजिटो हर बाइट में स्टोरी, हम आर्ट भी लगाते हैं उसमें भी हम ये लिखते हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये जो काम करती हैं लेडीज़, तो जैसे जितने का भी पैकेट होता है वो हमारे लिए उतना कॉस्ट पेयर करना इज नथिंग, हम कुछ भी खा लेते हैं, बट उनके घर पे उनको खाना खाने को मिलता है, उनको रोजगारी मिलती है, दे गेट अर्निंग्स, तो दिस इज अ मोटिव, वी सेल अ स्टोरी व्हेन वी गो देयर, एंड रिस्पॉन्स इज वेरी गुड ओवर द ईयर्स। इसकी रेसिपी बहुत इंप्रूव हुई है, हमें काफ़ी टाइम लगा इसको करने में, न्यू फ्लेवर्स ऐड करने में, टाइम टेस्ट किया, तो अब हमारा जो मेन मोटिव होता है लाइक सेलिंग का जो पॉइंट होता है वो कॉलेज फेस्ट में होता था, बट बिकॉज ऑफ कोविड वो भी बंद हो गया एंड हमारा कॉन्टैक्ट भी रह गया था, तो हम ऑनलाइन सेलिंग पे फोकस करते, जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू हम सेलिंग करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू जो हमारे पहले के कॉन्टैक्ट थे उनके थ्रू करते हैं। अब जैसे मॉडर्न बाजार में हम जानते हैं कोई सप्लाई करता है जैसे फास्ट फूड पैकेजिंग, तो उसने हमें 900 पैकेट्स ऑर्डर दिया था इसमें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने टाइम बाद लाइक ओवर डेज इतनी मेहनत के बाद वी आर फाइनली गेटिंग B2C मॉडल, सस्टेनेबल B2C मॉडल जिसमें हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर बेच सकते हैं इसको। बाकी यहाँ पे बिजली पानी कोई दिक्कत नहीं, ना पानी की ना बिजली की कोई दिक्कत, पानी तो खूब आता है दिन में भी रात में भी, पानी तो घंटा टॉयलेट वगैरह में भी हरदम 24 घंटा पानी आता है, दिक्कत नहीं। पानी साफ होता है पीने के लिए? सप्लाई का पानी आता है, सारा मीठे पानी कोई होता है। क्या खूबसूरत रंग आ गया इसका, देखिए लाल रंग। तो आप लोग जो भी इंग्रेडिएंट्स है जब ऑर्डर आपके पास आता है तब लोग लेके यहाँ आते हैं? हाँ जी, हम सबको जिनको देते हैं अवन से लेकर जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको देखते हैं उनका हम सब इनको ला के देते हैं, जैसे मिक्सी भी है अभी पालक की, मिक्सी भी यूज़ होगी तो भी हमने इनको ला के दी, तो हम इनको बस आंटी को देते हैं कि आंटी आपको 4 किलो गाजर की चिप्स बनाने हैं, तो वो आंटी 2 दिन में बना के हमें दे देती है, तो एक पैकेट में जैसे 100 ग्राम होते हैं, हम पैकेट भी लेते हैं कितने हैं, जैसे 40 पैकेट का बनवाना है तो 4 किलो को गाजर की चिप्स बोल दिए, 2 किलो पालक की बोल दिए, ऐसे करके हम बनवा लेते हैं फ्रेश एंड फिर हम उसको बेच देते हैं। नहीं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, मुझे लगता है कि हमारे वीडियो से और भी लोग इसको ऑर्डर कर सकेंगे, और लोगों को आपने जो बताया जो वेजिटेबल्स की जो कहानी है वो लोगों को पता चले कि कहाँ से बन के आ रहा है, कैसे हो रहा है, और हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, चाहे वो फूड वेस्टेज का हो और साथ ही साथ एम्पावरमेंट का भी हो, और फिर जो पैकेजिंग है वो भी है, हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इससे, सबसे बड़ी बात एक रोज़गार जुड़ा हुआ है, जो कोविड में इतने लोगों को काफ़ी समस्याएं हुई और बता रही थी जैसे कि उनकी फल की दुकान थी, उनका ऑटो का काम था, उनका कारपेंटर का काम था, तो काफ़ी लोगों का काफ़ी प्रभाव पड़ा, खासकर जो लोग डेली वेज अर्नर्स हैं उनके ऊपर, और इसके आपके इस इनिशिएटिव से लोगों को मदद मिल रही है, और भी लोग आए आगे आके सपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी को भी वेजिटेबल्स ऑर्डर करने हैं तो आपके इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं, इसका हैंडल है @inactusrbhatta है, और इस पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है जिसमें मोबाइल नंबर है 9582169578, इनका ईमेल है inactusrbhatta@gmail.com, और इसमें गूगल फॉर्म भी है जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपको किस फ्लेवर के कितने पैकेट चाहिए और आपका एड्रेस डाल देंगे, हम आपको डिलीवर करवा देंगे। ये कितने देर तक बेक करते हैं? ये मतलब जैसे पहले 10 मिनट का तो लगा देते हैं हम गरम करने के लिए, जैसे ही 10 लगा हुआ हमारा उतने ही देर में गरम होता है, तो इसके बाद वो करने से बचता है, तो उसके बाद हम समझ जाते हैं गरम हो गया, तब उसके बाद अंदर रखते हैं। अंदर कितने देर तक रखते हैं? अब अंदर सीखने में तो कोई थोड़ा जल्दी सीख जाता है, कोई थोड़ा लेट सीखता है, तो गाजर का थोड़ा लेट लगता है, पालक का जल्दी सीख जाता है क्योंकि पालक का पूरा प्योरी बना हुआ होता है ना। हाँ, तो अच्छे से वो मिल चुका है आटे में, इसमें थोड़ा टाइम लगता है पकने में। चकुंदर के गाजर के थोड़ा टाइम लगता है। आपका सबसे फेवरेट कौन सा है इन तीनों में से? पालक का ज्यादा अच्छा लगता है, इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। ये अब हमारा पक चुका है, अब हम इसको निकाल रहे हैं। ये हमारे वेजिटेबल्स तैयार हो गए गाजर वाले। हाँ। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।
तो ये हमारे वेजिटेबल्स तैयार हो गए। आइए शुरू किया जाए वेजिटेबल्स पार्टी। आ जाओ आ जाओ। कैसा है? कितना खस्ता बना हुआ है। हाँ आप लोग भी लीजिए। बहुत बढ़िया। और इसमें आपने जो वो दो मसाले और डाले हैं लहसुन का और प्याज का, उसका भी फ्लेवर है। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा लगा। सभी के सभी फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे थे। मुझे ज़्यादा पसंद आया हालांकि पालक वाला, और बहुत ही खस्ता बना हुआ है, कितना पतला भी है। और इससे कितनी सारी चीज़ें आप और बना सकते हैं, जैसे नेचोस की नेचोस चाट बनती है, वैसे वेजिटेबल्स की भी चाट बन सकती है। हमारे जब कॉलेज में स्टॉल्स लगते थे तो हम वही चाट बना के बेचते थे, वो काफी अच्छा लगता था। सॉस हमस, हाँ बिल्कुल, उसके साथ भी बहुत मजा आया खाने में उसको, क्या बात। और यहाँ पे इन्होंने बार कोड भी दिया हुआ है, जिसको आप स्कैन करेंगे तो जो कहानी है वो आप जान सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। हमने तीनों फ्लेवर्स ट्राई किए, पालक का भी, गाजर का भी और चुकंदर का, तीनों ही बहुत अच्छे थे। और जो इस पैकेजिंग पे लिखा हुआ है क्रिस्पियर टेस्टी हेल्दियर, ये तीनों चीज़ें इसमें हैं। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी तरह और लोगों को आपके इस इनिशिएटिव के बारे में पता चले और भी लोग इसको ऑर्डर कर सकें, और आपकी भी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। वेजिटोज़